घर में अगर आपके हल्दी का पौधा लगा हुआ है तो आप एकदम तरक्की करने वाले हैं, आपके घर में बरकत होने वाली है और आपका जो बृहस्पति ग्रह है वो भी मजबूत होने वाला है। अगर नहीं लगा है तो उसके क्या फायदे हैं, आज हम आपको इस वीडियो में यही बताएंगे। तो वीडियो में आप आखिर तक बने रहें। वैदिक टीवी में आप सबका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मेघा राधे राधे। ये आप जानते हैं कि भारतीय रसोई में जो हल्दी होती है वो बहुत ज़्यादा औषधीय गुणों से भरपूर होती है। इसका इस्तेमाल मसाले से लेकर सौंदर्य वाली चीज़ों में भी किया जाता है। मांगलिक कार्यों में इसका इस्तेमाल होता है, यानी हर तरह के शुभ कार्यों में हल्दी का इस्तेमाल तो होना ही होता है। और वास्तु शास्त्र की माने तो हल्दी का जो पौधा होता है अगर वो आप अपने घर में लगाएंगे ना तो इससे आपके घर में सुख शांति हमेशा बनी रहेगी। अगर आपके घर में हल्दी का पौधा है तो आप मान के चलिए कि कुंडली में अगर बृहस्पति ग्रह कमजोर दिशा में है तो वो भी पूरी तरह से सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा। और ऐसी मान्यता है कि हल्दी के पौधे से अगर आप पूजा करते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूरी होती है। वास्तु के हिसाब से परिवार में प्रेम बनाए रखने के लिए घर में हल्दी के पौधे को आपको पश्चिम उत्तर दिशा में लगाना है। अगर आपको दिशाओं की समझ ना हो तो किसी पंडित से आप इस बारे में जरूर पूछें। घर के वास्तु दोष को दूर करने के लिए हल्दी के पौधे को आग्नेय कोण में रखें। हल्दी के पौधे का बृहस्पति के साथ सीधा संबंध माना जाता है, इसलिए जब भी बृहस्पति देव की पूजा होती है उस दौरान हल्दी जरूर चढ़ाई जाती है। बृहस्पतिवार के व्रत रखने के दौरान भी आप केले के पेड़ के साथ हल्दी के पौधे की पूजा करें तो इससे ना भगवान बृहस्पति और भगवान विष्णु दोनों की आपके ऊपर विशेष कृपा बनी रहेगी। इसके अलावा हल्दी माता लक्ष्मी की पसंदीदा वस्तुओं में से भी एक है। दोस्तों, अभी जो हमने आपको जानकारी दी है ये विभिन्न आलेखों और लोक मान्यताओं पर आधारित है। वैदिक टीवी में इतना ही। राधे राधे।